हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ वैष्णवी और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ आपके सामने, जिसका आपको बेहद इंतज़ार था। और डेली आप लोग पूछते थे कि मैम एग्ज़ाम कब होगा टीजीटी पीजीटी आर्ट का। आप लोग डेली कमेंट करते थे कि मैम प्लीज़ बताइए, कुछ तो बताइए कि टीजीटी आर्ट का एग्ज़ाम कब होगा, हम कब तक ऐसे पढ़ते रहें। बहुत टेंशनाइज्ड रहते थे, बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे और दुनिया भर की वीडियो देख देख कर तो और आपका दिमाग ख़राब होता था। तो बस इसी पर आज हम कुछ बातचीत करने आए हैं और ये जो बातचीत है इसके आधार पर आपको समझ में आएगा कि आपको एग्ज़ाम कब तक होगा और आपको अब किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कि एग्ज़ाम की अब क्या रणनीति है, कैसे क्या एग्ज़ाम होना है। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि नई शिक्षा आयोग, जो नया शिक्षा जो चयन आयोग होना था, गठन होना था, उसका जो गठन है, ये देखिए आपको ये सामने देखने को मिल रहा है, सबसे भारी भरकम होगा नया शिक्षा आयोग। इसमें दे रहा है, आप लोग सामने देख सकते हैं कि 24 जुलाई के पहले आयोग के गठन की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो आपका ये चयन आयोग है, जो आपका एग्ज़ाम करवाना है, तो ये इस बात का संकेत देता है कि अब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं खिंचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल से रेडी रहना है, बिल्कुल से तैयार रहना है कि अब आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। हमने बिल्कुल से एग्जैक्ट बता दिया है कि 30 से 32 दिन में आपका एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि सब कुछ बना हुआ कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, बस उसमें मोहर लगनी बाकी है। और जैसे ही शिक्षा चयन आयोग का गठन हो जाता है, 24 जुलाई के पहले पहले बोला है, तो मान लीजिए 24 जुलाई के पहले हम मान के चलते हैं 20 जुलाई को आपका गठन होता है। कौन सी 20 जुलाई को आपका, मान लीजिए ये आयोग बन जाता है, तो अब समझ लीजिए 20 तारीख से 30 दिन जोड़िए, तो 10 आपका 10-11 दिन यहाँ जुड़ गया आपका जुलाई में। अगस्त में मान लीजिए, तो अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको खुशखबरी ये सब सुनने में आ जाए कि आपकी डेट कब है, कब आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हमने एग्जैक्ट बता दिया है कि अब आपको जो तैयारी करनी है वो लास्ट अगस्त और फर्स्ट सितंबर के महीने की करनी है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। और जो ये अपना अनुमान है, देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, अनुमान बता रहे हैं, जो ये हम अपना अनुमान बता रहे हैं, इसी आधार पर अगर आपने तैयारी की तो सच में आप लोग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 दिन ही आपको खींचेगा, ज़्यादा नहीं खींचेगा, क्योंकि सब कुछ तैयार है, बस एग्ज़ाम करवाना है आपको। समझ रहे हैं बात को, आप क्या हम जो कहना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है इसमें, 24 जुलाई से पहले आयोग के गठन की उम्मीद। अब देखिए क्या है, नए आयोग की अधिसूचना 24 जुलाई से पहले आने की उम्मीद जताई जा रही है। नए आयोग का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और शासन को भेजा जा चुका है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू करने से लेकर दायर जो याचिका है, ये 24 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनाई प्रस्तावित है, और ऐसे में उससे पहले विधेयक के जरिए आयोग के गठन की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए क्या दे रहा है इसमें, और थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब तक यूपी के किसी आयोग में नहीं है सदस्यों की इतनी संख्या, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ये तो ठीक है, ये सब बात अलग की है, अब यहाँ से समझ लीजिए, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए। उच्च शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग में जितने भी शिक्षक और प्राचार्य के रिक्त पद हैं, उस पर चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का आकार जो है वो प्रदेश भर के सभी बोर्डों में सभी भारी भरकम होगा। तो देखिए समझ रहे हैं आप लोग कि चाहे बेसिक की बात की जाए, चाहे माध्यमिक की बात की जाए, कुछ भी बात की जाए, सभी में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की तैयारी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा
कि हाँ अब आपको कितना जोर लगाना है पढ़ने में। आगे देखिए, नए आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान प्रस्तावित है और इसका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक के लिए मान्य होगा। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक भी अध्यक्ष और 8 सदस्यों के पद सृजित हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा आकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का है, जो 4500 से लेकर जो मतलब 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों की भर्ती करने के साथ ही उनके संबंधी विवादों का निस्तारण भी करता है। सब लोग समझते जाइए कि कैसा क्या प्रोसेस हो रही है ये चीज़, और आपको अब क्या करना है आगे आपको खुद समझना है, ठीक है। तो इसमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। वहीं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्यों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सिर्फ 6 सदस्य होते हैं। हालांकि सरकार अब चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को समाप्त करते हुए नए आयोग का गठन करने जा रही है। तो ये पूरी हिस्ट्री हमने रामायण के जैसे नहीं सुनाई है, हमने इसलिए सुनाई है क्योंकि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अब आपको कैसी क्या तैयारी करनी है। हमने क्या बताया आपको कि हमने आपको बताया कि 24 जुलाई के पहले आयोग गठित हो सकता है। तो इसके पहले हम मान के चलते हैं 20 जुलाई को इसका गठन हो जाता है, ठीक है। मान के चलते हैं 20 जुलाई को इसका गठन होता है, तो इससे लगभग 30 से 32 दिन के बाद, 30 से 32 दिन या 1.5 महीने मान लेते हैं, तो लगभग आपका जो एग्ज़ाम है 20 जुलाई मान लीजिए 1 महीने हो गए, ठीक है। 20 जुलाई से 20 अगस्त तक 1 महीने हो गए, और लास्ट अगस्त समझते जाइएगा, लास्ट अगस्त और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, इसमें आपका एग्ज़ाम की डेट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब आपको बिल्कुल से अपनी तैयारी में एकदम जोर देना है, और जो बच्चे TGT 8 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला तैयार की हुई है, तो आपको 8000 क्वेश्चंस की श्रृंखला देख लेनी है, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप परेशान मत होइए, हम उसके जो मतलब क्लासें हैं जितनी भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम करवा देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, हर चीज़ होगी, एकदम लल्लन टॉप होगी। बस आप लोगों को डेली क्लास में जुड़ना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। बाकी आप लोग अगर खुद से भी पढ़ रहे हैं तो वो तो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक जाने वाला है, ठीक है। तो बस बने रहिए वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल के साथ, और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिएगा। हम हर चीज़ देखिए, अभी एग्ज़ाम से लेकर बिल्कुल नियुक्ति तक हर चीज़ आपको हर चीज़ बताते जाएंगे कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है, हर चीज़ आपको बता देंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा संघर्ष है। थोड़े से संघर्ष से नहीं निकल पाए तो फिर क्या निकल पाए, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं।